दोस्तों, हमारी टीवी इंडस्ट्री में आज ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जो टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में अपना नाम शुमार करवाती हैं, जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर अपने आप को एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में शामिल किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टीवी के हाईएस्ट पेड एक्टर में गिने जाने वाली उन सभी अभिनेत्रियों को पहली सैलरी के रूप में क्या मिला था और उन्होंने पहले किस सीरियल में काम किया था? अगर नहीं जानते तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए इन सभी सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले आप इन अभिनेत्रियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका त्रिपाठी टीवी इंडस्ट्री की एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरियल बनू मैं तेरी दुल्हन से की थी और इसी सीरियल के बाद हमें दिव्यांका त्रिपाठी के कई और सीरियल दमदार अभिनय करते हुए देखने को मिले थे। लेकिन अगर बात करें कि इन्हें इनके पहले शो की सैलरी के रूप में क्या मिला था, तो आपको बता दें कि इन्हें केवल 25,000 रूपए पर डे एपिसोड दिए गए थे, जबकि आज ये 1,00,000 रूपए पर डे एपिसोड चार्ज करती है। नंबर दो, रूपाली गांगुली। अनुपमा सीरियल से फेमस हुई एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का भी इस लिस्ट में नाम शुमार है। वैसे तो रूपाली गांगुली को टीवी एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाता है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म साहिब से 7 साल की उम्र में की थी और इस फिल्म में एक छोटा सा रोल के लिए इन्हें 150 रूपए दिए गए थे। पर जब इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में सुकन्या सीरियल में डेब्यू किया तो इस शो में काम करने के लिए इन्हें 5,000 रूपए का चेक मिला था। नंबर तीन, शिवांगी। रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभा रही अभिनेत्री शिवांगी जोशी, जो आज टीवी इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर में अपना नाम शुमार करवाती हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन्हें इनकी फर्स्ट सैलरी के रूप में क्या मिला था, तो आपको बता दें कि जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत खेलती है जिंदगी आंख में छोली नाम के सीरियल से की थी, तो इस शो में इनकी पहली सैलरी के तौर पर इन्हें 10,000 का चेक दिया गया था, जिसे पाने के बाद शिवांगी जोशी को लग रहा था कि दुनिया के सबसे अमीर पर्सन है। नंबर चार, कृतिका सिंह। पुनर्विवाह कसम तेरे प्यार की जैसे सीरियल में काम करके अभिनेत्री कृतिका सिंगर, जो आज टीवी इंडस्ट्री की काफी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कहलाती हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू सी से की थी, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल किया था और उसके लिए इन्हें 3,000 रूपए मिले थे। नंबर पाँच, तेजस्वी प्रकाश। बहुत ही कम समय में टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश, जिन्हें आप सुरागनी सीरियल में रागनी के किरदार के लिए जानते हैं, और इस किरदार के जरिए तेजस्वी प्रकाश ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी ने अपने करियर की शुरुआत मात्र 18 साल की उम्र में की थी टीवी सीरियल 26/12 से, जो कि लाइफ ओके पर प्रसारित किया जाता था और इसके लिए इन्हें फर्स्ट सैलरी 5,000 रूपए दी गई थी। नंबर छह, श्रद्धा आर्या। श्रद्धा आर्या टीवी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री हैं, जो इन दिनों जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं, और ये इस शो पर डे तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धा आर्या ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल लक्ष्मी तेरे आंगन से की थी, जिसमें इन्हें सबसे पहले सैलरी के रूप में 10,000 का चेक मिला था और ये श्रद्धा आर्या की पहली कमाई थी। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से आपको किसकी फर्स्ट सैलरी के बारे में जानकर हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।